Hello everyone. We always also completed acid and base. Now we are further go to the salt. अब salt के बारे में हमने सबको पता है कि नमक है वही है, but we are for the different salt. So हमने different salt किए है, जो भी हमारे ionic salt होते हैं, दो ion से बनते हैं, उनके बारे में मैंने homework दिया था last time कि आपको ये सारे के सारे नाम लिखने के देने हैं. आया नहीं है किसी के नाम, I think so. तो फोन करो उसके पहले आ जाए तो अच्छा है. नाउ वी आर गो टू द सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अ न्यूट्रल. पीएच वैल्यू इज 7. ओके, हम कह सकते हैं कि सॉल्ट की ऑलवेज पीएच 7 है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. नेवर एवर द पीएच ऑफ सॉल्ट इज 7. अलग अलग सॉल्ट की अलग अलग पीएच होती है, और कैसे सॉल्ट की कैसी पीएच होती है उसके बारे में आएंगे. अगर जो सॉल्ट बना होगा वो एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हुए, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस भी स्ट्रॉन्ग हुआ, तो दैट इज बी पीएच विल बी 7. उन दोनों की पीएच 7 होगी. अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस वीक हुआ, तो विल पीएच इज लेस देन 7. नाउ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक, दैट मोर देन, जो भी स्ट्रांग होता है उतनी होती है. अगर जो स्ट्रांग बेस हुआ तो वो 7 से अप होगी, अगर स्ट्रांग एसिड हुआ तो वो 7 से डाउन होगी. दोनों स्ट्रांग हुए तो 7 होगी. सो ये याद रखना है कि उनकी एसिडिटी और उसकी जो सॉल्ट की एसिडिटी और बेसिडिटी है वो उनकी कौन सा जो एसिड और बेस यूज हुआ है उसके ऊपर करेगा. नाउ द केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, केमिकल बनते हैं कौन कौन से कॉमन सॉल्ट से, बारे में करेंगे. बाय द लर्न्ड दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. दिस इज सॉल्ट ऑफ यू यूज इन अ फूड. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन अ एक्टिविटी दैट द नेचुरल सॉल्ट. There's a sea water contain many salt dissolved in a sodium chloride is a separate from them and deposit salt and that is also found in the several parts of the world. These large crystals are often brown due to the impurities. This is called rock salt. Beds and rock salt were formed in a seas in a bygone age and the dries up. The rock salt is a mine like a coal. You also been heard about the Mahatma Gandhi's Dandi March, and it is know that the sodium chloride was important symbols of the our struggle and freedom. Okay, first dekho hamara jo salt hai, salt aise hi jo hamare pure form jitne aate hain wo sare ke sare salt form mein aate hain, और जो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं. अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में क्या हुआ कि अंदर इम्प्योरिटीज आई तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. तो ये ब्राउन सॉल्ट है, जो ब्राउन कलर के सॉल्ट बन जाते हैं उन्हें रॉक सॉल्ट कहते हैं. नाउ द रॉक सॉल्ट जो बन गया वो पानी से ड्राई, बिसाइड द रॉक सॉल्ट विल बी ड्राई फॉर्म ऑफ द व्हेन बायगॉन्स एज इज ड्राई. वो बहुत सारी चीजें ऐसे ही रहते हैं अंदर, तो वो ड्राई हो जाती है. और जब भी कभी हम माइनिंग करते हैं, जैसे कॉल में कैसे माइन करते हैं, वैसे ही उसमें से रॉक सॉल्ट निकलते हैं. सो रॉक सॉल्ट में इसी तरह होता है. नाउ हमारे लिए नमक का महत्व बहुत ही ज्यादा है. जैसे दांडी मार्च है, वो हमारे फ्रीडम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्च है, उनके बारे में. Now the common raw material of chemical. Common raw material of chemical. Common salt material of chemical. The common salt thus obtained is a important raw material for the various material of the daily use, such as a sodium hydroxide. Sodium hydroxide first, then baking soda, washing soda, bleaching powder, many more. Let us see one substance used for making all these substances. सॉल्ट है वो सारे के सारे ऊपर जितने भी सब्सटेंस है उनके नाम पर लिखे. फर्स्ट जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, ये भी उसमें से बनता है. देन वॉशिंग सोडा है, वो भी सॉल्ट में से बनेगा. ब्लीचिंग पाउडर है, उसे भी सॉल्ट में बनेगा. वॉशिंग पाउडर सॉरी बाकी जो सारे चीजें हैं वो सॉल्ट में से बन रही है. तो ये सारी की सारी सॉल्ट में से जितनी भी चीजें बन रही है उनके बारे में तुम लोगों को यहाँ दी गया है कि कैसे बनती है, उनकी रिएक्शन लिखी गई है,
और उनके इम्पोर्टेंस दी गए हैं हमारी डेली लाइफ में, आपको ये लिखना है क्योंकि ये एग्जाम में कोर्स में है। आई थिंक मैंने तुम लोगों को सबको एग्जाम में कितनी चीज़ें आने वाली है उनका एक कंटेनमेंट भेज दिया है कि पीडीएफ करके भेज दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। शायद मैंने सब कुछ कराया होगा क्योंकि कोई चीज़ें हम रख देंगे तो हमारे लिए वापस पूछना नहीं पड़ेगा, बट उसमें जितना है उतना ही आपको पढ़ना है। ओके, पेपर भी उसमें से निकालेंगे, उसमें से बाहर से नहीं निकालेंगे कभी। ओके, नाउ फर्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम हमारे सोडियम क्लोराइड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होगी, एक टैंक लेंगे, टैंक के अंदर हमारा ब्राइन मीन्स के सॉल्टेड वाटर, सी वाटर होता है, वो लेंगे। अब उसके अंदर दो जो हमारी प्लेटें रखेंगे, प्लेट में एक होगी एनोड, दूसरी होगी कैथोड, जिसमें प्लस होगा वो होगा एनोड और जिसमें माइनस होगा वो होगा कैथोड। सो, उनकी यहाँ पे एक मस्त फिगर दी गई है। सो, उसके अंदर देखो ये बीच में एक मेम्ब्रेन रखा गया है। मेम्ब्रेन कैसा होगा, वो सिर्फ आयनों को एक में से दूसरे में जाने को अलाउड करेगा, दैट इज वाई वह मेम्ब्रेन रखा गया है। एंड नाउ दो प्लेट रखी गई है। अब जो पानी वाला ब्राइन होगा और NaOH होगा हमारा सॉल्ट, जो हम सॉल्टी ब्राइन होगा, उसे हम इनलेट करेंगे अंदर। अब इनलेट करने के बाद जो हमारी बैटरीज होगी वो चालू करेगी, एनोड होगा वो प्लस, सारे एनोड होगा वो सारे माइनस, जितने भी आयन्स होंगे उसे अट्रैक्ट करेगा। एंड जो हमारा कैथोड होगा वो हमारे प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा। जो दोनों सेपरेट हो गए, प्लस और माइनस जो हो गए वो अलग हो जाएंगे। प्लस और माइनस अलग होने के बाद क्या होगा, एक टाइम पर जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दिखा है Cl- OH- N- एंड H+, सो जो Cl- है वो सारे एक साइड जमा हो जाएंगे और Cl2 बन जाएंगे, और जो यहाँ पे H+ है वो सारे के सारे जमा होकर H2 बन जाएंगे। सो द H2 एंड Cl2 दोनों के दोनों एज अ गैस फॉर्म, ऊपर देखो आउटलेट है वहां पे निकल देखेंगे, ऊपर तो एक H2 लिखा गया है, दूसरी बार Cl2। नाउ अंदर बचा कितना, NaOH बचा और थोड़ा पानी होगा, सो वो यहाँ से बाहर हम निकाल देंगे। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, सॉल्ट थोड़ा होगा, पूरे का पूरा निकल नहीं जाएगा, बट NaOH हमारा बन चुका है। हमने हमारे इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हमने हमारा NaCl में से क्या बना दिया, NaOH। सो फर्स्ट हमारी चीजें हैं NaOH एंड NaCl। अब इनमें से NaCl में से NaOH तो हमें मिल गया, तो NaOH के बाद जो HCl2 और H2 है उसका भी यूज करेंगे। H2 होगा उसे हम अमोनिया बनाने में यूज करेंगे, Cl2 होगा वो हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में यूज कर सकते हैं, पीवीसी पाइप्स में यूज कर सकते हैं, सो डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स में यूज कर सकते हैं। तो Cl2 हम यूज कर सकते हैं, H2 हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, बाकी अमोनिया की जो हमारी इंडस्ट्रियल मेथड है बनाने के लिए, फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होगी वो हमारे इन NaCl में से NaOH बनाने में होती है। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमारा सोडियम क्लोराइड है उनका एक्वियस सॉल्यूशन मींस ब्राइन, ब्राइन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन डिकम्पोज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेलो एवरीवन, we always also completed acid and base, now we are further go to the salt। अब salt के बारे में हमने सबको पता है कि नमक है वही है, but we are for the different salt, जो हमने different salt किए थे, जो भी हमारे ionic salt होते हैं दो आयन से बनते हैं उनके बारे में मैंने homework दिया था last time कि आपको ये सारे के सारे नाम लिखने के देने हैं, आयन नहीं है किसी के नाम, I think so। तो फोन करो उसके पहले आ जाए तो अच्छा है। ओके, नाउ वी आर गो टू द सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अ न्यूट्रल, पीएच वैल्यू इज 7। ओके, हम कह सकते हैं कि सॉल्ट की ऑलवेज पीएच 7 है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर द पीएच ऑफ सॉल्ट इज 7।
अलग अलग सॉल्ट की अलग अलग पीएच होती है, और कैसे सॉल्ट की कैसी पीएच होती है उसके बारे में आएंगे। अगर जो सॉल्ट बना होगा वो एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हुए, एसिड भी स्ट्रांग हुआ और बेस भी स्ट्रांग हुआ, तो दैट इज बी पीएच विल बी 7, उन दोनों की पीएच 7 होगी। अगर एसिड स्ट्रांग हुआ और बेस वीक हुआ तो विल पीएच इज लेस देन 7। नाउ एसिड इज स्ट्रांग, बेस इज स्ट्रांग एंड एसिड इज वीक, दैट मोर देन, जो भी स्ट्रांग होता है उतनी होती है। अगर जो स्ट्रांग बेस हुआ तो वो 7 से अप होगी, अगर स्ट्रांग एसिड हुआ तो वो 7 से डाउन होगी, दोनों स्ट्रांग हुए तो 7 होगी। सो ये याद रखना है कि उनकी एसिडिटी और उसकी जो सॉल्ट की एसिडिटी और बेसिसिटी है वो उनकी कौन सा जो एसिड और बेस यूज हुआ है उसके ऊपर करेगा। नाउ द केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, केमिकल बनते हैं कौन कौन से कॉमन सॉल्ट से, बार बारे में करेंगे। बाय द लर्न्ड दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide solution called sodium chloride. This is salt of you use in a food. You must have observed an activity that the natural salt. This is a sea water contain many salt dissolved in a sodium chloride is separate from them and deposit salt, and that is also found in the several parts of the world. This large crystals are often brown due to the impurities. This is called rock salt. Beds and rock salt were formed in a seas in a bygone's age and the dries up. The rock salt is a mine like a coal. You also been heard about the Mahatma Gandhi's Dandi March, and it is known that the sodium chloride was important symbols of the our struggle and freedom. ओके, फर्स्ट देखो हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऐसे ही जो हमारे प्योर फॉर्म जितने आते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट फॉर्म में आते हैं, और जो क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में क्या हुआ कि अंदर इम्प्योरिटीज आई तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो ये ब्राउन सॉल्ट है, जो ब्राउन कलर के सॉल्ट बन जाते हैं उन्हें रॉक सॉल्ट कहते हैं। नाउ द रॉक सॉल्ट जो बन गया वो पानी से ड्राई, बेसाइड द रॉक सॉल्ट वॉल बी ड्राई फॉर्म ऑफ द व्हेन बायगॉन्स एज इज ड्राई, वो बहुत सारी चीजें ऐसे ही रहते हैं अंदर तो वो ड्राई हो जाती है। और जब भी कभी हम माइनिंग करते हैं, जैसे कॉल में कैसे माइन करते हैं वैसे ही उसमें से रॉक सॉल्ट निकलते हैं, सो रॉक सॉल्ट में इसी तरह होता है। नाउ हमारे लिए नमक का महत्व बहुत ही ज्यादा है, जैसे दांडी मार्च है वो हमारे फ्रीडम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्च है, उनके बारे में। Now the common raw material of chemical, common raw material of chemical, common salt material of chemical. The common salt thus obtained is a important raw material for the various material of the daily use, such as a sodium hydroxide first, then baking soda, washing soda, bleaching powder, many more. Let us see one substance used for making all these substances. सॉल्ट है वो सारे के सारे ऊपर जितने भी सब्सटेंस है उनके नाम पर लिखे हैं। फर्स्ट जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है ये भी उसमें से बनता है, देन वॉशिंग सोडा है वो भी सॉल्ट में से बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर है उसे भी सॉल्ट में बनेगा, वॉशिंग पाउडर सॉरी बाकी जो सारे चीजें हैं वो सॉल्ट में से बन रही है। तो ये सारी की सारी सॉल्ट में से जितनी भी चीजें बन रही हैं उनके बारे में तुम लोगों को यहाँ दी गया है कि कैसे बनती है, उनकी रिएक्शन लिखी गई है और उनके इम्पोर्टेंस दी गए है हमारी डेली लाइफ में। आपको ये लिखना है क्योंकि ये एग्जाम में कोर्स में है। आई थिंक मैंने तुम लोगों को सबको एग्जाम में कितनी चीजें आने वाली है उनका एक कंटेनमेंट भेज दिया है कि पीडीएफ करके भेज दिया था कि कौन कौन सी चीजें, शायद मैंने सब कुछ कराया होगा, क्योंकि कोई चीजें हम रख देंगे तो हमारे लिए वापस पूछना नहीं पड़ेगा, बट उसमें जितना है उतना ही आपको पढ़ना है। ओके, पेपर भी उसमें से निकालेंगे, उसमें से बाहर से नहीं निकालेंगे कभी। ओके, नाउ फर्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम हमारे सोडियम क्लोराइड में से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होगी, एक टैंक लेंगे, टैंक के अंदर हमारा ब्राइन मींस के सॉल्टेड वाटर, सी वाटर होता है वो लेंगे। अब उसके अंदर दो जो हमारी प्लेटें रखेंगे, प्लेट में एक होगी
एनोड, दूसरी होगी कैथोड, जिसमें प्लस होगा वो होगा एनोड और जिसमें माइनस होगा वो होगा कैथोड। सो उनकी यहाँ पे एक मस्त फिगर दी गई है। सो उसके अंदर देखो ए बी